ये ताज़ा न्यूज़ का एजुकेशनल वीडियो जहां हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड बड़ी खबरों के बारे में, साथ ही आपको देंगे जॉब, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में अपडेट्स भी। आज है 4 अक्टूबर, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। इस वीडियो में हम 6 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जो है कि उड़ीसा की एक लड़की ने कैसे लॉकडाउन में 325 सर्टिफिकेट हासिल किए, साथ ही जानेंगे कि आप फ्री में साइबर कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्लैट की मेरिट लिस्ट भी आने वाली उसके बारे में भी जानेंगे, साथ ही राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा SSC JEE की वैकेंसी और साथ ही आर्मी स्कूल में भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। तो सारी न्यूज़ को आइए डिटेल में जानते हैं। आज की पहली खबर है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर की PhD होल्डर सुधन्या नाथ ने अपने लॉकडाउन का बहुत ही सही इस्तेमाल किया है। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग, वेबिनार और क्विज के जरिए लगभग 325 सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिंगिंग, पेंटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मीम्स, हैंडीक्राफ्ट जैसे कई कोर्स सीख लिए हैं। अगली खबर है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अनंत प्रभु जी ने एक ऑनलाइन साइबर सेफ्टी कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है IM साइबर सेफ, जिसके 7 पार्ट में लगभग 30 मॉड्यूल्स हैं। ये कोर्स आपको वीडियो के जरिए करवाया जाएगा। इसको हर वीडियो के लास्ट में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवालों में से कम 6 सवालों के सही जवाब देने पर ही आप अगला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप 6 सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए तो आप अगला वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको IM साइबर सेफ का सर्टिफिकेट भी चाहिए तो पूरा कोर्स के लास्ट में आप 99 रुपये पे करके IM साइबर सेफ का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर है कि SSC ने JEE 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रीम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये एग्ज़ाम 22 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 तक कंडक्ट करवाया जाएगा। अगली खबर है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। ये आवेदन TGT, PGT और PRT के लिए मंगवाए गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग पदों को मिलाकर कुल 8000 रिक्त पद हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है कि क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की मेरिट लिस्ट कल यानी 5 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। 6 अक्टूबर से आप फीस भी जमा कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस 9 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगी। अगली अपडेट है कि राजस्थान बोर्ड के 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं। आप राजस्थान बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह की एजुकेशनल और जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।